मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हवाई पट्टी पर पत्रकारों पर सवाल किया कि आखिर छिंदवाड़ा में इतनी ताकत क्यों लगाई जा रही है। तब मुख्यमंत्री ने कहा कि यह चुनाव है और नरेंद्र मोदी की तीसरी बार सरकार बनाने की इलेक्शन है। हम सब भाजपा के मुस्तैद सिपाही है, वह कार्यकर्ता जिस उत्साह और उमंग से लगे हुए हैं, हम देख रहे हैं कि जो लोग पूरे देश और प्रदेश में जाते थे वह एक जगह फंसे हुए हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि उनकी जमीन खिसक रही है। हमारे कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से ताकत लगाई है, लोगों का दिल जीता है और जिस तरह से मोदी जी का लोकप्रियता का परचम लहरा रहा है, मैं छिंदवाड़ा के बारे में आश्वासित हूँ कि निश्चित रूप से भाजपा अच्छे से जीतेगी। देखिए, चुनाव है, ये यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरी बार सरकार बनने के लक्षण है और हम सब भाजपा के मुस्तैद सिपाही है। स्वाभाविक रूप से अगर हमको लगता है कि हमको हमारे लोगों की बचाना चाहिए और हमारे कार्यकर्ता जिस ढंग से उत्साह उमंग से लगे हुए हैं, हम उल्टा देख रहे हैं कि जिनको कभी पूरे प्रदेश और देश में जाते देखा जाता था वो एक जगह फंसे हुए हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि उनकी जमीन खिसक रही है। मेरी अपनी ओर से हमारे सब कार्यकर्ताओं ने जो ताकत बनाई है, जनता का दिल जीता और उससे बढ़ करके मोदी जी का जिस प्रकार से लोकप्रियता का परचम फहरा रहा है, मैं छिंदवाड़ा के बारे में आश्वस्त हूँ, निश्चित रूप से भाजपा बहुत अच्छे ढंग से जीतेगी। एनबीसी न्यूज के लिए छिंदवाड़ा से शेखर राजपूत की रिपोर्ट।